का बिल जमा करने पर मारपीट का प्रयास करने वाले एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली का बिल जमा करने पर मारपीट का प्रयास करने वाले एसडीओ द्वारा मीटर उपभोक्ता श्रीमती बेबी पत्नी राजेश के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आकर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसे तत्काल बर्खास्त करने की मांग उठाई। साथ ही यह भी कहा कि अगर पीतल नगरी एसडीओ के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो बजरंग दल कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इन सब बातों को लेकर बजरंग दल के मेरठ प्रांत से प्रांतीय अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें एसडीओ के खिलाफ जांच की बात कही गई है। साथ ही उसे तत्काल बर्खास्त करने की बात कही गई है। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करा है और एक ज्ञापन दिया है कि मुरादाबाद के अंदर बिजली विभाग के जो एसडीओ हैं, एसडीओ पीतल बस्ती कटारिया साहब, वो दलित विरोधी हैं और भ्रष्टाचार का उन्होंने जो चोगा ओढ़ रखा है वो चरम पर है। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी घटना करी, मुरादाबाद के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर उपाध्यक्ष के साथ अभद्रता करी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा और जब उन्होंने बिजली का बिल जमा भी कर दिया तो उनको चाटा मारने के लिए खड़े हो गए। अरे भाई, आप इस देश के अंदर समाज की सेवा करने के लिए आए हो, पब्लिक सर्वेंट हो, या आप अपने पर्सनल इशू को लेकर वहाँ पर अपनी टेंशनबाजी दिखाते हो लोगों को? वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे आज परेशान है, मैं दिमाग से आज परेशान हो रखा हूँ, आप यहाँ मत आओ, मेरे सामने बात मत करो। क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? तो योगी जी इस पर संज्ञान लें, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया। वायरल हुआ था, मार पिटाएगा, क्या कहना चाहेंगे उस पर जो एसडीओ द्वारा मार पिटाएगा वीडियो कर कर बिजली घर से बाहर किया गया था? एसडीओ साहब अपने से वरिष्ठ अधिकारी के सामने, अपने से वरिष्ठ अधिकारी एक्शन के सामने अपने ही संबंधित विभाग के अधिकारी को मार रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है। कल हमारे महानगर उपाध्यक्ष के साथ ये बदतमीजी हुई जब अपने विभाग के अधिकारी के साथ ये हरकत कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारी के साथ ये हरकत कर रहे हैं तो आम जनता का क्या करते होंगे? ये विचार का विषय है, आज सब संज्ञान में। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? हमने मांग करी है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर जांच हो, एसआईटी गठित हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।